हे गाइस, कैसे हैं आप सब? और बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। और हर बार बताती हूँ मुझे बैठ के वीडियो शूट करना नहीं जमता, क्योंकि शुरू से आदत पड़ी उसकी और मेरी आंखें तो सूजी ही रहती हैं। और रात को मेरे पैर पे बैलन गिर गया, बहुत मोटा सूज गया है। और देखिए बाबू की शैतानी रही, क्रीम ले ली है उससे खेल रही है। और बस देखो वीडियो कब तक जाती, कब तक एडिट होती है, कब तक पहुंचती है। खेल लो बाबू। और बस बच्चे को छोड़ के आई हूँ और एक बाबू खेल रहा है और मेरे हस्बैंड भी गाड़ी लेके गए। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही अच्छे हैं, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। देखो बिस्तर रखा है सर्दी के लिए, अभी इसको तय करना है। मैंने बोला वीडियो शूट करके पहले डालूँ, बहुत लेट हो जाएगी, 10-11 बजे तक हो पाएगा। बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसी फैमिली भगवान सबको दे और ऐसे हस्बैंड भगवान सबको दे। बहुत शोर आ रहा है क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग हैं। खत्म। हर चीज़ में बहुत मुझे सपोर्ट करते, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते। मैं इतना उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ, पर मैं शायद अच्छी बीवी नहीं हूँ क्योंकि मैं अच्छी शायद माँ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को डांट भी देती हूँ। इतने बड़े हो गए, वो आज तक बच्चों को डांटे नहीं है, ना कुछ किए, ना मुझसे कुछ कहते। मैं गलती कर रही तब भी डांट के रह जाते हैं। बहुत अच्छे है मेरे हस्बैंड, बहुत 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 अच्छे। नसीब वालों को मिलते हैं ऐसे। मैं उनकी इतनी वो केयर कर लेती थी, मैं केयर नहीं कर पाती हूँ। जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तब भी मैं इतनी अपनी तरफ से 100% कोशिश की थी, पर शायद मैं इतने नहीं कर पाई जितना वो। बहुत जब मेरा बाबू हुआ था वो मेरी बहुत केयर कर लेते, बहुत ज़्यादा, पर मैं नहीं कर पाती। मैं शायद उनके लिए अच्छी नहीं हूँ, पर वो मेरे लिए बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। कहते नहीं है नसीब वाले, जिसने मेरी शादी मेरी दीदी ने कराई तो बहुत बहुत। कहते नहीं माँ बाप अपनी बेटियों के लिए कभी बुरा नहीं चाहते, तो उन्होंने बहुत अच्छे मेरे लिए ढूंढे और हर चीज़ में सपोर्ट करते, हर चीज़ में। चाहे ये यूट्यूब का हुआ, चाहे कुछ हुआ, किसी ने मुझे वो नहीं सपोर्ट किया, बस मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर। और मुझे किसी से सपोर्ट चाहिए भी नहीं, बस मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, मेरा जीवन साथी साथ रहे। और मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, भगवान सबके साथ ही ऐसा जीवन साथी सबको दे। तो चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत, और ये मेरा संडे का ब्लॉग है और ये जाएगा मंडे को। और बनाए मैंने बथुए के पराठे, बनाया बथुए का ही रायता बनाया, तो वही सब आपके साथ शेयर किया है और कुछ नहीं। और क्या, और कुछ नहीं, बस जा रही हूँ। आज बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप निकलने का नाम नहीं ले रही। मौसम पानी भरा हुआ है, पानी की तो बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ। और गेट बंद कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और चलिए वीडियो को कर देती हूँ एंड। और बाबू बहुत शैतानी कर रहा है। चलिए बाय बाय और टेक केयर। और अपना सर्दी में बहुत ज़्यादा बाबू मत करो, और अपना ध्यान रखिए, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्या कर दीजिए करो, क्योंकि डिसलाइक के लिए इसमें कुछ नहीं है। जो लोग वैसे करते हैं उनको तो डिसलाइक देते नहीं। इस ब्लॉग में ऐसा क्या है जो आप लोग डिसलाइक दे देते हो? कहाँ समझ, मुझे पता है अपना ही कोई डिसलाइक दे के जाता है। कोई बात नहीं, डिसलाइक और लाइक आप लोगों की मर्जी। चलिए बाय, टेक केयर। तो ये देखिए, आप लोगों से बातें करने के बाद ये बथुआ मैंने पहले उबाल लिया है, धो के बहुत अच्छे से धोना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत सारी होती है। और ये हरी मिर्ची नमक डाल के कूट ली, और सामने पानी गर्म होने के लिए लगा हुआ है। और बाबू वगैरह मेरे हस्बैंड देख रखे हैं, क्योंकि रॉड है वो देख लेते हैं। बेड पर सब लोग बैठे हुए हैं और वो नहीं छूती, उसको मना कर दे, तब भी बच्चा है, कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर इसको नचोड़ के आटे मिक्स कर लेंगे, और मिक्सी नहीं है तो मैं इसे हाथ से ही ऐसे कर लूँगी, तो ये आटे मिक्स हो जाए। थोड़ा सा बचा लूँगी रायते के लिए, ये बाद में नचोड़ूँगी, पहले ये आटा कर लेती हूँ और इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। कुछ मसाले ऐड नहीं करने, बस मिर्ची और नमक डालना, नमक थोड़ा कम डालूँगी, मिर्ची भी थोड़ा कम, क्योंकि हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर रही हूँ इसलिए। तो ये देखिए, और बहुत अच्छे बनते हैं, सर्दी में गर्म भी हैं और नुकसान भी नहीं करते, और रायता भी गर्म है तो नुकसान नहीं करेगा, तो इसलिए इसको ऐसे करके और इस तरह से आटा गूंद लूँगी, एकदम बारीक हो जाएगा, कोई इसमें वो नहीं है। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, और इसको ढक देती हूँ और कर लेती हूँ रायते की तैयारी। और ये देखिए कितना पानी हो गया, इसको साफ़ कर लिया है देखिए मैंने, और इसको ऐसे करके इसमें डाल देती हूँ ये देखिए।
और इसमें लगाना है हींग जीरे का तड़का और ये बन के हो जाएगा तैयार। फटाफटक से बन जाता है। और ये देखिए मैं इधर पराठे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ और उन लोगों को मैं बनाती जाऊँगी, गरम गरम बच्चे खाते जाएंगे। और ये देखिए बहुत करारे करारे बहुत हेल्दी होते हैं, सर्दियों में तो बेस्ट हैं। तो और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं पराठे बनाऊंगी और मैं बच्चों को देती जाऊंगी, जो बच्चे मेरे खाते जाएंगे गरम गरम। इसी तरह से मैं सारे पराठे सेक लूंगी और तीन तीन कोने वाले पराठे बनाए, इनको तीन कोने वाला भी कह सकते हैं। तीन कोने वाला पराठा बनाया है और मैं नहा के भी आ गई हूँ। नहाने के बाद आटा वगैरह गूंद के रख गई थी और फिर नहा के तब रोटियाँ मैं सेक रही हूँ। तो इस तरह से बन जाएगा और ये मैं अपने बाबू को दे देती हूँ और आप भी आ जाइए खा लीजिएगा। और इनको पराठे देने के बाद मैं ये बच्चे लोग खा लेंगे, मैं अपना बनाती रहूँगी, मैं बाद में खा लूँ क्योंकि बच्चे खा लिए तो बच्चे और हस्बैंड खा लिए तो सब खा लिए है ना। तो मैं इसी तरह से ये पराठे सेक लूँगी और गरम गरम पराठे हैं तो बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। तो और क्या मतलब सर्दियों में कुछ समझ में ना आए तो ये बना लेने चाहिए। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के अपने ख़त्म कर दूंगी और मैं बाद में खाऊंगी। और नहा ली हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है। देखिए एडिट करके वीडियो कितनी देर में जाती है, एक तरफ मेरे सिक रहे एक तरफ बेल रही हूँ। तो खाना बना के फ्री हो गई हूँ और बस नहा के आई हूँ और बाबू की अपने की बड़ी वाली की चोटी बना देती हूँ। ये देखिए और बड़ा वाला बाबू भी आ जाएगा, उसकी भी चोटी बना दूंगी। बस मैं नहा के आई, कुछ नहीं लगाया, कुछ भी मुंह पे चेहरे पे कुछ नहीं लगाया, आप लोग देख सकते हैं। और बस बाल भी नहीं बाए, बस इनकी चोटी बना के और बस बाबू छोटे वाले बाबू की भी चोटी बना दूंगी। उसको नहीं नहलाया अभी और उसको बाद में नहलाऊंगी। इन बड़ी वाली बेटी को मेरी को ट्यूशन जाना, उसको ट्यूशन छोड़ के आना है फिर करूँगी। उसको जूड़ा बनाया, उसको जूड़ा पसंद है। और बड़ी वाली को भी कर दूँगी मैं। ये देखिए उसके भी बाल देखिए, आप देख सकते हैं कितना बाबू प्यारा है। ये देखिए और वो बड़ी वाली बाबू की वो बनाती हूँ ना तो छोटी वाली का भी मन करता है। तो उसके भी जल्दी से बना के बस काम फिनिश और कुछ नहीं है। और अच्छे से मांग निकाल के एक चोटी बना देती हूँ। देखिए 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 जल्दी से फटाक से बना देती हूँ। और ये देखिए और ये पूरे दिन परेशान कर लेती हैं पूरे दिन। और लगा देती हूँ रेवर्ड और बड़ी वाली बेटी को फटाफट से ट्यूशन छोड़ के आती हूँ। बस हाउस वाइफ का यही काम है और काम ही क्या है। ये देखिए गुलाब का फूल खिल गया मेरे बाबू के सर पे, अच्छा लग रहा है ना। देखिए गुलाब का फूल, ये देखिए ये देखिए। और मैं जा रही हूँ करने। और ये देखिए ये देखिए 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 देखिए। ओके बाय।